दुनिया में हर आदमी अपना और अपना परिवार का पेट भरने के लिए कोई न कोई काम या नौकरी करता है और उससे पैसा कमाता है। उन्हीं लोगों में से एक होता है जो कि होता है भिखारी। भीख मांगना किसी की मजबूरी होती है या फिर किसी का इनकम करने का नया रास्ता। जी हाँ, कुछ भिखारी आपसे ज्यादा पैसे कमाते हैं। आप ये बात सुनकर जरूर हैरान हुए होंगे, लेकिन ये बिल्कुल सच है। आज हम आपको भारत के ऐसे ही सबसे अमीर भिखारियों के बारे में बताएंगे। भारत के सुपर रिच भिखारियों के पास अपार्टमेंट में अपना एक फ्लैट है और बहुत सारी संपत्ति भी है और एक बहुत बड़ा बैंक बैलेंस भी है, लेकिन फिर भी वो सड़कों पर भीख मांगते हैं। आपको देश के हर चौराहे पर, हर गली मोहल्ले में, ट्रेन हो या बस, आपको भीख मांगते हुए व्यक्ति दिख जाएंगे। लेकिन आप जिन भिखारियों को गरीब या लाचार समझकर कुछ पैसे देते हैं या कुछ खाने खाने को देते हैं, असल में कुछ भिखारियों के पास करोड़ों की संपत्ति होती है और वो तमाम सुविधाएं मौजूद होती है जो कि एक शायद आम आदमी के पास हो। हमारे देश में इसी प्रकार के एक भिखारी हैं जो कि इस वीडियो के लिस्ट में प्रथम नंबर पर है और उनका नाम भरत जैन है। भरत जैन जो कि मुंबई के पैरेलल इलाके में भीख मांगते हैं। रिपोर्ट के अनुसार इनके पास दो फ्लैट है जिसकी कीमत 70 लाख रुपए है और इनकी महीने की इनकम 75,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक हो जाती है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये इनकम किसी जॉब से कम नहीं है। हिंदुस्तान की सबसे अमीर भिखारियों के लिस्ट में दूसरे नंबर पे हैं, जो है कोलकाता में रहने वाली लक्ष्मी। लक्ष्मी ने 1964 से कोलकाता में सिर्फ 16 साल की उम्र से ही भीख मांगना शुरू कर दिया था। 50 से ज्यादा सालों में उन्होंने भीख मांग मांग कर लाखों रुपए जुटाया और लक्ष्मी आज भी 1000 से 15 रुपए हर दिन भीख मांग कर कमाती है, जो कि काफी सोचने वाली बात है। हमारे वीडियो में तीसरे नंबर पे है मुंबई की गीता। गीता मुंबई की चरनी रोड पर भीख मांगती है। बताया जाता है कि उनके पास अपना एक फ्लैट है और उसमें वो अपने भाई बहन के साथ रहती है और गीता भी हर दिन 1500 रुपए भीख मांगकर कमा लेती है। हमारे इस लिस्ट में चौथे नंबर पर चंद्रशेखर आजाद जी हैं। इनका गुड़वाड़ी में एक घर है और करीब करीब 8.7 लाख रुपए इनके खाते में जमा है। चंद्रशेखर आजाद 2019 में रेल दुर्घटना में अपनी जान गंवा दी। इसके बाद इसकी सारी संपत्ति मुंबई पुलिस ने ढूंढ निकाली थी। हमारे इस लिस्ट में पांचवे नंबर पे है बिहार के पटना में रेलवे प्लेटफॉर्म पर भीख मांगने वाले पप्पू। पप्पू एक एक्सीडेंट में अपना पैर गवा देने के बाद पटना के रेलवे स्टेशन पर भीख मांगने का काम शुरू किया था। रिपोर्ट के मुताबिक पप्पू के पास आज लगभग 1.25 करोड़ रुपए की संपत्ति है और ये सुनकर आप हैरान जरूर हुए होंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।